जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला, तनी नाची के तनी नाई के तनी नाची गाई सबके मन भैया। हम लोग हमेशा कहते हैं एक बिहारी सौ बिहारी, मान गई ये दुनिया सारी। प्रज्ञा और आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइव सिटीज, और लाइव सिटीज के सैटरडे में हम आपको एंटरटेनमेंट दिखाएंगे। अब हर वीक के सैटरडे को आपको हमारे इस चैनल में एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, और आज के इस एंटरटेनमेंट में हम बिहारी लोगों से जानेंगे कि आखिर वो कितना जानते हैं बिहार को, और वो जब बाहर जाते हैं तो उन्हें कितनी परेशानियाँ होती है बिहारी। लेकिन परेशानी में हम देख सकते हैं उन्हें कितना लोग बोलते हैं कि आप बिहारी हो, आप बिहार से हो, आप ये करो, आप वो करो, तो इस स्टेरियोटाइप को हम यहाँ आज तोड़ेंगे। अब हम जानेंगे कि बिहारी जब बिहार के बाहर जाते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी दो चीज़ें जिससे उन्हें इरिटेट किया जाता है, लाइक उन्हें बार बार याद दिलाया जाता है कि आप बिहार से हो। आपके नाम? मैंने भी ममता कुमारी। इनका नाम ममता कुमारी। और ममता, आप ये बताओ मुझे कि जब आप बिहार से बाहर जाते हो तो सबसे ज़्यादा क्या बोल के आपको बोला जाता है कि आप बिहार से हो, बिहार से हो, इस टाइप का? जब भी हम लोग नए जगह पे जाते हैं वहाँ पे सबसे पहले तो ये बोला जाता है कि आप बिहार से आई हो, या फिर ये तो देखने से बिहारी लगते हैं क्योंकि हम लोग का यूनिफॉर्म बहुत अलग होता है। जैसे हम लोग इंडियन है तो हम लोग साड़ी ज़्यादा पहनते हैं, हम लोग के देश के लोग साड़ी ज़्यादा पहनते हैं, और वहाँ लोग जीन्स टॉप मिनी स्कर्ट ये सब पहनते हैं, तो वो देखने के बाद ही बोलते हैं ना कि तुम लगती हो बिहारी हो। हाय राम, मतलब कि आज तक मैंने सोचा कि मेरी ड्रेसिंग सेंस इतनी अच्छी है, और बिहार के बाहर जाके ये पता चला कि हमारे ड्रेसिंग सेंस को लेके बोला जाता है। कितना गलत बात है ये भाई, कितना गलत बात है। अच्छा छोड़ो ममता, अगर आज के बाद आप जा रहा ना तो आप बोलना ना कि हम इसी में अच्छे दिखते हैं, आपको शायद वो पहन के अच्छा दिखने की जरूरत होती है, हम तो जो पहनते हैं उसी में अच्छे दिखते हैं, ठीक है? चलो ममता, मैं आपसे दो तीन ऐसे क्वेश्चन, मतलब दो तीन ऐसे वर्ड बोलती हूँ जो आप ये बताओ कि उसका मतलब क्या होता है, ठीक है? सबसे पहला टिकली। टिकली जो बिंदी है। हाँ, टिकली का मतलब बिंदी होता है। दूसरा, ठिठुरना, जो मतलब ठंडके मारे या कुछ किसी मतलब डर के कितना से ठिठुर जाता, मतलब सिकुड़ना। हाँ। और तीसरा नर्वसाना। नर्वसाना कोई भी मतलब अजीब चीज़ को देखना, कोई भी जैसे मैं देखी या कोई भी देखा अजीब कुछ देखने पे आँख फटे के फटे रह जाते हैं, डर नर्वस आ जाते हैं। हाँ, हाँ, नर्वस हो जाते हैं। हाँ, जो दिल दहल जाता है। भाई भाई छोरी तो गर्दा उड़ा दी है, तीन में तीन मार्क्स इसको मिलते हैं, इसको भाई सब कुछ पता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम जानते हैं पूजा से कि वो कितना जानती है अपने बिहार को। पूजा, आप ये बताओ मुझे कि बिहार की दो सबसे अच्छी चीज़ें आपको क्या लगती है? कल्चर और बोलचाल। पूजा, एक आप मुझे बिहार का सबसे फेवरेट गाना सुनाओ, मतलब जो हर जगह जाते हो और उससे गर्दा मच जाता है। जिया हो बिहार के लाला। अच्छा, तो एक लाइन गा के सुनाओ, एक लाइन गा के सुनाओ। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला, तनी नाची के तनी नाई के तनी नाची गाई सबके मन भावा हो भैया। और इसी के साथ पूजा ने हमें जिया हो बिहार के लाला पे इतना अच्छा, इतने अच्छे वर्डिंग के साथ, इतने अच्छे तरीके से गाना सुनाया, और इसके लिए हम ममता और पूजा को थैंक यू बोलते हैं। आपका नाम? अभिषेक गुप्ता। अभिषेक, आप ये बताओ बिहार की कुछ अच्छी बातें आप हमें बताओ। बिहार की सबसे अच्छी बातें ये हैं कि मतलब बिहारी लोग जल्दी किसी से भी घुल मिल जाते हैं, और यहाँ पर अच्छी जगह बहुत है, बहुत सारे हैं। जैसे में आ जाता है हमारा गांधी मैदान, और ये इको पार्क भी कह सकते हैं, जू भी कह सकते हैं, गोलघर भी कह सकते हैं। हाँ, ये सब अच्छी चीज़ों में आ जाती हैं। चलो अभिषेक, मैं तुमसे पांच वर्ड्स बताऊंगी जिससे तुम्हें सेंटेंस बनाने होंगे, ठीक है? सबसे पहला गर्दा। क्या हो मर्दे, गर्दा उड़ा दे लूं तुझे। दूसरा अन्नस। अन्नस बरा दिया यार तुम। तीसरा ठिठुरना। भाई ठंड बहुत है, ठिठुर रहा है। चौथा बड़ियारी। बड़ियारी मत दिखाओ। और पांचवा परपराना। भाई बहुत परपरा रहा है, तो छिला गया है तो। और अभिषेक, किस आईक्यू टेस्ट में अभिषेक को मिलते हैं 5.5 मार्क्स, क्योंकि उन्होंने सारे के सारे क्वेश्चंस के सही सही जवाब दिए हैं। और अब हमें आदित्य लॉलीपॉप सुनाएंगे, वो भी बिहारी अंदाज में। आदित्य, जब लगा में ये ला आ रहा डिस्ट्रिक्ट, अरे अरे पूरा तो गाओ।
आगे का लिरिक्स याद नहीं है। ठीक है, तू लगावे लू जब लिपस्टिक, हिले ला आरा डिस्टिक, झीला टॉप लागे लू, कमरिया करे लपा लप, तू लॉलीपॉप लागे लू। लो 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 मेरे तरफ करो। और देखा आपने, बिहार में रह के इन्हें इतना भी नहीं पता है कि लॉलीपॉप का पूरा लिरिक्स क्या होगा। बताइए कहाँ से ये बिहारी, बताइए दिल्ली में जाएंगे तो क्या बताएंगे लोगों को? ठंड बहुत ठंडी से उड़ रहे हैं यार। ठीक है, उसके बाद तनी तनी पानी लावा तो। उसके बाद बकलोल, हर एकदम बकलोल है। टिकुली, टिकुली का क्या मतलब होता है? उसको बिंदी शायद। बिंदी? हाँ। तुम चिटिंग किए हो, तुम मेरे कॉपी में से चिटिंग किए हो। उसके बाद ये बताओ तुम, धरना क्या? धरना, धरना, धरना या धरना मत दो। नहीं नहीं नहीं, धरना कैच करना। हाँ, कैच करना। अब हम ये जानेंगे कि बिहार की सबसे अच्छी, सबसे स्वादिष्ट, जो कि सबकी पसंद होती है, खाना, खाना क्या है बिहार का सबसे फेवरेट? आपका नाम हर्ष। हर्ष, आप हमें ये बताओ कि बिहार का सबसे स्वादिष्ट खाना क्या है? बिहार में सब मिल से ज़्यादा लिट्टी चोखा खाते हैं। हाँ। और मीन्स बिहार में यही बहुत फेमस भी है। बहुत फेमस भी है, ठीक है। और ये बताओ, सिर्फ बिहार में ही फेमस है या फिर बिहार के बाहर भी फेमस है? ये बिहार के, बिहार, बिहार तो बिहार है, लेकिन बिहार के बाहर भी फेमस है। वाह, क्या लाइन बोला इन्होंने, बिहार तो बिहार, बिहार के बाहर भी उतना ही फेमस है। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला, तनी नाची के, तनी नाई के, तनी नाची गाई सबके मंगला बाबा भैया। ये हम लोग हमेशा कहते हैं, एक बिहारी सौ पे बिहारी, मान गई ये दुनिया सारी। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो देन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। बिल्कुल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।